साक्षी रोड पर नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान अनेकों पक्के अतिक्रमण जेसीबी से गिरा दिए गए। यूआईटी के अतिक्रमण निरोधी दस्ते में एनईबी थाने का पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे। यहां मौजूद जिनके मकानों को ध्वस्त किया गया उसमें महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आई। लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। पीड़ित के अनुसार वे यहां करीब 70 सालों से रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में 4 विकलांग हैं और यह पूरी कार्यवाही द्वेषपूर्ण की जा रही है। यहां विरोध करने वाले कई महिलाओं और पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। मकान को तोड़े हैं और मतलब लेआउट की प्लान से रस्सा निकाल रहे हैं। रस्सा निकाल ही नहीं, लेआउट के हिसाब से रस्सा नहीं निकाल रहे हैं। हमारे बच्चियां रो रही हैं और ये मतलब प्रशासन मनमानी कर रहा है हमारे साथ। हमारा मतलब दाद बाप दादाओं की जमीन है और जिसको नाजायज मतलब तोड़ा जा रहा है। इतना अन्याय मत करो। अन्याय बहुत। कोई नोटिस नहीं दिया हमको, किसी ने भी नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया हमें। कभी उधर से रास्ता निकाल दें, कभी इधर से निकाल दें, या तो आप इसमें कोई एक्शन लें। रास्ता किधर से आ रहा, रास्ता सीधा उधर से जा रहा। हमने खाली जगह छोड़ रखी है। हमारा परिवार विकलांग, 4 विकलांग एक परिवार में, बीपीएल परिवार है। मेरी मिसेज विकलांग है और ये 13 राजनीतिक 13 रास्ता निकाला है लोगों ने, यूआईटी वालों ने। देखो ये कली कहाँ से गिर रही है, ये रास्ता किधर से आ रहा है, ये 13 रास्ता निकाला। हमारा नाजायज घर फोड़ा गया है इन लोगों ने। ये अन्याय हो रहा है, ये राजनीतिक प्रेरित काम हो रहा है। ये हम लोगों गरीब आदमियों के साथ एक परिवार में 4 विकलांग हैं। जब बनाया था जब रास्ता नहीं था कि ये 70 साल पुराना, कोई रास्ता नहीं था। ये 70 साल पहले बनाया था मकान। हाँ, ये हमारे ददे सुसर ने मकान बनाया हुआ है, उन्हीं की जायदाद है, उनकी खातेदारी की भूमि है। ये कुआ है जिसे सिंचाई करते हैं लोग। सारे कागज हमारे पास सारा। ये तो राजनीति से प्रेरित अन्याय हो रहा है। रिश्वत खाई है तहसीलदार ने और जयन ने। राजनीति का किसके ऊपर आरोप? ये राज यूआईटी के अधिकारी हैं, ये साजबाज हो रहे हैं और ये जाति पाति का मामला बना रहे हैं इसको। हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे ये सारा अन्याय हमारे मुस्लिम होने की वजह से हो रहा है। ये इनकी हुकूमत है, हम निहत्ते मारे जा रहे हैं। सामने वाला जो स्कूल वाला चौधरी है उसकी वजह से इस रस्ते को टेढ़ा कर रहे हैं। उसे रिश्वत खा रखे इन लोगों ने रामनिवास चौधरी से। मतलब ये नाजायज है हमारा। आज हमारी 300 साल पुराने हमारे बाप दादा का खेत है ये। हमारा 70 साल का बना हुआ मकान है ये सारा। आज का ये थोड़ी है जो ये जबरदस्ती, ये तो ढाई ढाई दिन के आए हुए हैं सारे कॉलोनी वाले हैं और फिर हमारे साथ ना जाए। जब प्रशासन अन्याय कर रहा है, कहीं का यूआईटी है, कहीं की ये तो यूआईटी की नहीं, ये तो एग्रीकल्चर का है। यूआईटी ने कौन सा सारा रोड डाल रखा है इसमें ये बताओ। जो यूआईटी ने मन में आया रोड लगा निकाल रखा है, यहाँ का दे रखा है कि लोगों के कहने से ही रोड निकाल दिया। यहाँ के रोड के मकान फूटे और 10-5 मकान फोड़ के दिखाओ ना देख तुम। और जो नाजायज लग रहे हैं हम बताएं 50 मकान नाजायज, देख उनको तोड़ के बताओ ना देख। ऐसे ही है भाई, ये तोड़ तो दिया, ये क्या हो गया, सारा कुछ उजड़ गया। कहाँ रहेंगे ये बच्चे?